फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये सुंदर सा थालकुस बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद, और इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस थालकुस के लिए हमने यहाँ पर 4 प्लाई का ऊन लिया है फ्रेंड। क्रोशिया हमने यहाँ पर 11 नंबर का लिया। सबसे पहले हमें धागे में नोट लगा लेनी है, फिर हमें बनानी है 8 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 पहली वाली चैन में हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। ये हमने जॉइंट कर लिया। फिर 3 चैन, फिर हमें ये जो सर्कल हमने बनाया है इसी में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 1 2 ये हमने यहाँ पे 3 बनाया। 3 चैन हमारी पहली है, उसके बाद फिर हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर हमें बनानी है यहाँ पे 3 चैन, 1 2 3। फिर हमें बनानी है 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3। फिर 3 चैन, फिर हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर 3 चैन बनानी है, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इस तरह हमें 6 टाइम हमें बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 टाइम हमने यहाँ पर बना लिया। फिर बनानी है हमें 3 चैन, फिर जो हमारी तीसरा चैन है यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। फिर अगले वाले में भी स्लिप स्टिच, फिर जो हमारा स्पेस है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच। फिर हमें क्या करनी है, 3 चैन, फिर हमें यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 2 3, फिर 3 चैन, फिर इसी स्पेस में हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया में और बनानी है। 1 2 3, फिर 3 चैन, फिर अगले स्पेस में हमें जानी है, फिर वहाँ पे हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 3 चैन और 3 ट्रिपल क्रोशिया। तीन ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया, फिर 3 चैन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए, फिर 3 चैन, फिर अगले स्पेस में हमें बनानी है 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया। इसी प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया, फिर हमें स्पेस में आनी है तो स्लिप स्टिच हमने किया। फिर इसी डिज़ाइन को हमने यहाँ पर ऊपर में सेम प्रोसेस हमने बना लिया है। फिर हमें क्या करनी है, फिर हमें बनानी है 1 चैन, फिर जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2, फिर हमें बनानी है 1 चैन, फिर ये 2 के बीच का जो स्पेस है यहाँ पर हमें सेम इसी डिज़ाइन को ऊपर में हमें बना लेनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर बना लिया। फिर 1 चैन बनानी है, फिर जो अगला स्पेस है यहाँ पर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर 1 चैन बनानी है, फिर इसके ऊपर ये सेम प्रोसेस है यहाँ पर हमें बना लेनी है 3 ट्रिपल क्रोशिया, 3 चैन, 3 ट्रिपल क्रोशिया। फिर जो ये स्पेस है यहाँ पर हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, और इसके बीच में 1 1 चैन हमें बनानी है। ये देखिए, तो इसी प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, फिर हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें क्या बनानी है, 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर अगले जो हमारा स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर 5 चैन, फिर अगले स्पेस में जॉइंट, फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5, फिर अगले स्पेस में जॉइंट। इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट करनी है। 5 चैन बनानी है, हर स्पेस में सिंगल क्रोशिया जॉइंट करनी है, फिर 5 चैन बनानी है, फिर स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करनी है। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर सिंगल क्रोशिया बनानी है।
हमने यहाँ पर बना लिया। फिर हमें बनानी है पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, हमें इस स्पेस में आनी है, इस स्पेस में हमें आनी है, ये देखिए। फिर बनानी है हमें एक चैन, ये हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर लिया, फिर एक चैन। फिर हमें क्या करनी है, फिर जो अगला स्पेस है यहाँ पे 10 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, ये हमने यहाँ पे 10 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चैन। फिर जो हमारा अगला स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, फिर पांच चैन, दो तीन चार पाँच। फिर हमें अगले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है, फिर हमें बनानी है एक चैन। फिर जो अगला स्पेस है फिर हमें यहाँ पे 10 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, ये हमने यहाँ पे 10 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चैन। फिर हमें जो अगली वाली स्पेस है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करनी है, फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच। फिर अगली वाली में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन, फिर एक चैन। फिर अगली वाली में फिर हमें 10 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह हमें ये पूरे लाइन को कम्प्लीट कर लेनी है, इस तरह हमें ये 6 डिजाइन हमें यहाँ पर बन जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, हमने यहाँ पे 6 डिज़ाइन बनाया, एक दो तीन चार पाँच छः। यहाँ पे हमने एक चैन बना लिया, फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे ये जो हमने चैन है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर हमें क्या करनी है, यहाँ पे बनानी है पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, इसी स्पेस में हमें जॉइंट करनी है सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। फिर हमें बनानी है दो चैन, फिर हमें क्या करनी है, ये जो हमारी 10 डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, और बीच में ट्रिपल क्रोशिया, एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चैन। फिर अगले वाले में ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ट्रिपल क्रोशिया, सभी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, और बीच में एक एक चैन। स्टार्टिंग में हमें दो चैन बनानी है और एंडिंग में दो चैन बनानी है, फिर एक चैन, 10। ये 10 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें क्या करनी है, फिर हमें बनानी है दो चैन, फिर जो हमारा ये है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर हमें बनानी है पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, ये हमने बना लिया। फिर इसी स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, ये देखिए। फिर बनानी है दो चैन, फिर हमें सभी डबल क्रोश ट्रिपल क्रोशिया पर एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, और बीच में एक एक चैन। ये देखिए इस तरह हमें बीच में ये स्पेस बनानी है। तो इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। इन सभी के बीच में हमने एक एक चैन बनाया है, और दोनों कॉर्नर पर हमने दो दो चैन बनाया है। तो इस तरह हमें यह कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पर इसे जॉइंट कर लेना है, ये जो हमारा स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया था यहाँ पे स्लिप स्टिच से हमें जॉइंट कर लेना है, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पर बनानी है सिंगल क्रोशिया, फिर हमें यहाँ क्या करनी है तीन चैन, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है उसी स्पेस में, फिर तीन चैन, फिर उसी स्पेस में दो ट्रिपल क्रोशिया हमें और बनानी है, एक दो। हमने यहाँ पर क्या बनाया फ्रेंड्स, दो ट्रिपल क्रोशिया, तीन चैन, दो ट्रिपल क्रोशिया। फिर हमें बनानी है दो चैन, फिर हमें क्या करना है, एक दो, ये दो ट्रिपल क्रोशिया स्किप करनी है, और इसके बगल जो स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करनी है। फिर हमें क्या करनी है, पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, अगले वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर एक दो तीन चार पाँच, अगले वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, एक दो तीन चार पाँच, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। इस तरह हमें 6 टाइम करनी है, एक दो तीन, दो तीन चार पाँच छः, सॉरी पाँच, फिर अगले वाले में फिर पांच चैन, एक दो तीन चार पाँच, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, एक दो तीन चार पाँच,
एक दो तीन चार पाँच, अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से जोड़। फिर हमें बनानी है दो चैन, फिर ये देखिए ये दो हमें स्कीप करनी है। फिर जो हमारे स्पेस है यहाँ पे हमें बनानी है दो ट्रिपल क्रोशिया, दो एक दो, फिर तीन चैन, फिर उसी स्पेस में दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर हमें अगली डिज़ाइन में फिर दो स्कीप करनी है, उसके बाद वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया से जॉइन। फिर पांच चैन बनानी है, दो ट्रिपल क्रोशिया में बनानी है, फिर दो चैन, दो स्कीप, फिर जॉइंट सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हमें ये छह टैन, एक दो तीन चार पाँच छः, ये देखिए। तो इसी तरह हमें यहाँ पर भी छः टाइम कर लेनी है, बना लेनी है। ये हमने यहाँ पे छः टाइम बना लिया, फिर दो चैन, फिर जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पर फिर दो ट्रिपल क्रोशिया, एक दो, फिर बनानी है तीन चैन, फिर दो ट्रिपल क्रोशिया इसी स्पेस में, एक दो, फिर दो चैन, फिर दो स्कीप करनी है, फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइन। इसी तरह हमें ये पूरे लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए तो इस तरह हमें ये पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया, फिर इन दोनों के ऊपर हमने एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर हमें क्या करनी है, तीन चैन, फिर जो हमने स्पेस है यहाँ पे दो ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, फिर हमें बनानी है तीन चैन, फिर जो हमारा ये दो ट्रिपल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, फिर दो चैन। पिछली लाइन में हमने यहाँ पे छः टाइम बनाया था, इस लाइन में हमें पांच टाइम बनानी है। तो जो पहली वाली है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर पांच पांच चैन बना के इस तरह हमें बना लेनी है। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, फिर हमें क्या करनी है, दो चैन, दोनों कॉर्नर पर हमें दो दो चैन बनानी है, कॉर्नर पर हमें दो दो चैन बनानी है। फिर हमें ये जो दो ट्रिपल क्रोशिया, इन दोनों के ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया है। ये देखिए दो ट्रिपल क्रोशिया, तीन चैन, फिर स्पेस में दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर इन दोनों के ऊपर भी एक एक ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह हमें यहाँ भी बना लेनी है। ये देखिए इसे हमें घटते हुए बनानी है और यहाँ पे हमें बढ़ते हुए बनानी है। इस लाइन में हमने एक टाइम बनाया, अगली लाइन में हमें दो टाइम बनानी है, फिर उसकी अगली लाइन में हमें तीन टाइम बनानी है। कॉर्नर पर हमें दो दो चैन बनानी है और बीच में हमें तीन तीन चैन। फिर हमें बनानी है दो चैन, फिर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करनी है, फिर हमें यहाँ पे पांच टाइम बना लेनी है। ये देखिए तो इसी प्रोसेस से हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया और यहाँ पर हमने दो ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, फिर तीन चैन बनाया, फिर जो हमारे यहाँ पर स्पेस है यहाँ पे दो ट्रिपल क्रोशिया। पिछली लाइन में हमने एक टाइम बनाया था, यहाँ पर हमें दो टाइम बनानी है। फिर तीन चैन, फिर अगले स्पेस में दो ट्रिपल क्रोशिया। फिर तीन चैन, फिर ये जो दो कॉर्नर पे जो ट्रिपल क्रोशिया है इन दोनों के ऊपर एक एक बनानी है हमें, फिर दो चैन। पिछली बार हमने यहाँ पे पांच बनाया था, इस बार हमें चार टाइम बनानी है। ये देखिए एक दो तीन चार, फिर दो चैन, फिर जो हमारा कॉर्नर में ट्रिपल क्रोशिया है इन दोनों के ऊपर एक एक हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। दोनों कॉर्नर पर हमें उसके ऊपर बनानी है, बीच का जो स्पेस है वहाँ पर हमें
बनानी है, तीन चैन, यहाँ पे दो ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीन चैन, फिर अगले स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया, बीच वाले में यहाँ पे हमें घटते हुए बनानी है और यहाँ पे बढ़ते हुए, ये देखिए एक टाइम बनाया, फिर इस टाइम हमें दो टाइम बनानी है, फिर अगली बार में तीन टाइम, फिर चार टाइम, इसे बढ़ते हुए बनानी है और इसे घटते हुए। फिर तीन चैन, फिर यहाँ पे इन दोनों के ऊपर एक एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर दो चैन, यहाँ पे चार टाइम हमें बनानी है, ये देखिए। तो इसी तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है फ्रेंड। जब ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाए तो फिर हमें यहाँ पर इसे घटते हुए और यहाँ पे बढ़ते हुए, तो अगली लाइन में हमें यहाँ पर एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम हमें बनानी है। इन दोनों कॉर्नर पर हमें सेम बनानी है, जो हमारा स्पेस है यहाँ पे इसे हमें बढ़ते हुए बनानी है। तो इस लाइन में हमने दो टाइम बनाया, अगली लाइन में हमें तीन टाइम बनानी है, फिर उसके अगली लाइन में चार टाइम बनानी है, यहाँ पे हमें तीन तीन चैन बनानी है, और दो इस कॉर्नर पे दो चैन और इस कॉर्नर पर दो चैन, और बीच में हमें तीन तीन चैन बनानी है, इसे बढ़ते हुए बनानी है, इसे घटते हुए बनानी है। हमने छः बनाया, फिर पाँच, फिर चार, अगली में तीन बनानी है, दो बनानी है, एक तक हमें इसे बना लेना है, ये देखिए। तो इस तरह हमें ये एक तक इसी इस पाइनएप्पल को हमें कंप्लीट कर लेनी है एक तक। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे छः से स्टार्ट किया था, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, एक तक हमने यहाँ पे बना लिया है, ये देखिए। फिर हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः तक हमने यहाँ पे बना लिया, ये देखिए। फिर हमें क्या करनी है, बीच वाली में घटते हुए इधर वाली में, साइड वाली में बढ़ते हुए, ये हमने यहाँ तक बना लिया। फिर हमें क्या करनी है, दो चैन में जो एक है हमारे यहाँ पर, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर दो चैन, फिर जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, दो ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, फिर सेम प्रोसेस से हमें बनानी है तीन चैन, फिर जो हमारा स्पेस है सभी स्पेस में हमें बना लेनी है। सिर्फ हमें यहाँ पर ये करनी है, इस लाइन में एक तक हमें बना लेनी है, फिर उसके बाद फिर हमें यहाँ पर दो चैन बना के यहाँ पर इसे ज्वाइन कर लें। इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया है, जॉइन करने के बाद फिर सेम प्रोसेस से हमने यहाँ पर इसे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे हमने बना लिया तीन चैन, फिर हमें क्या करनी है, यहाँ पर इन दोनों ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, एक, दो। फिर हमें यहाँ पर क्या करनी है, बीच में हमें एक भी चैन नहीं लेनी है, डायरेक्ट हमें दूसरी तरफ आ जानी है, ये देखिए यहाँ पे इसे हमें ज्वाइंट करना है, ये देखिए दूसरे वाले भी हमें बना लेनी है, यहाँ पर हमने एक भी चैन हमें नहीं बनानी है, ये देखिए। फिर सेम प्रोसेस, तीन चैन बनानी है, फिर सभी स्पेस में हमें दो दो ट्रिपल क्रोशिया हमें बना लेनी है। इसी तरह हमें इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे हमें एक भी चैन नहीं बनानी है, हमने यहाँ पर तीन चैन बनाया, फिर इन दोनों को बनाया, फिर डायरेक्ट हमें फिर इन दोनों को बनानी है इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ तक इसे बना लिया, यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर लिया स्लिप स्टिच से, फिर हमने यहाँ पर स्पेस में स्लिप स्टिच बनाया और फिर सेम प्रोसेस से ये हमने यहाँ पर इसे बनाया, ये देखिए। फिर हमने यहाँ पर इसे बना लिया, फिर हमें क्या करनी है, यहाँ पर इन चारों ट्रिपल क्रोशिया को हमें ज्वाइन करनी है। तो हमें यहाँ पे तीन चैन बनानी है, एक, दो, तीन। फिर हमें क्या करनी है, ये पहले वाली ट्रिपल क्रोशिया हमने ली, दो, दो, हुक पे हमारा दो लूप है, फिर दो बार हम धागे को लपेटेंगे, फिर जो दूसरी वाली है फिर दो, दो, हुक पे हमारा तीन लूप है, फिर तीसरी वाली ट्रिपल क्रोशिया पर लेंगे दो, दो, चार, फिर चौथी वाली पे दो दो धागे लेंगे, फिर हमारी टोटल यहाँ पे है पाँच, सभी को एक साथ ले लेंगे। इस तरह हमें ये चारों को ज्वाइन कर लेना है। फिर बनानी है तीन चैन,
फिर जितने भी स्पेस हैं सभी पे हमें बना लेनी है दो दो ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह हमें सभी में बना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर स्लिप पीसेस से जॉइंट कर लिया, फिर धागे को हमने कट कर लिया। आप चाहे तो इसी कलर के धागे से आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा कलर का धागा ले रही हूँ। धागे में सबसे पहले नोट लगा लेनी है हमें। आप इसे किसी भी स्पेस में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जॉइंट कर लिया, तीन चैन, फिर हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारी तीन चैन है, वहाँ पे हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो दो, ये देखिए दो है, यहाँ पे हमें एक एक बनानी है डबल क्रोशिया। फिर जो तीन चैन है वहाँ पे तीन डबल क्रोशिया। इस लाइन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, दो ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। इस लाइन में हमें इसी तरह इसे बनाना है। तो इस प्रोसेस से हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। जो हमारे स्पेस है यहाँ पे तीन और इन दोनों के ऊपर एक एक। और फिर जो हमारे यहाँ पे जॉइंट है, ये देखिए यहाँ पे हमें नहीं बनानी है, इन दोनों में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब हमें क्या करनी है, बनानी है आठ चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर हमें यहाँ पर एक दो तीन चार स्किप करनी है, पाँचवें पर हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर बनानी है हमें आठ चैन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर स्किप करनी है एक दो तीन चार, पाँचवें पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट। ये देखिए फिर बनानी है हमें आठ चैन, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। फिर हमें स्किप करनी है एक दो तीन चार, पाँचवें पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। इसी तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया। फिर हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें आनी है सिंगल क्रोशिया। फिर बनानी है एक दो तीन चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, तीन चैन, तीन तीन छः चैन बनानी है, एक दो तीन चार पाँच छः चैन बनाया। फिर इसी स्पेस में हमने फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीन चैन। फिर हमें अगले स्पेस में जानी है, तो हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर तीन चैन। फिर इसी स्पेस में हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है, ये देखिए, फिर तीन चैन। फिर अगले स्पेस में हमें जानी है। इस तरह हमें इस लाइन में ये वाली इस तरह हमें बनानी है, ये देखिए, ये इस तरह हमें ये बनानी है। तीन चैन हमने बना लिया। फिर अगले स्पेस में हमें फिर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर तीन चैन। फिर उसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया हमें बनानी है, फिर तीन चैन। फिर अगले स्पेस में हमें जानी है। इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह हमें इसे बनानी है, ये देखिए। मोती के लिए हमने यहाँ पर ये पतली वाली क्रोशिया लिया है और ये मोती हमने लिया है। तो हमें पहले क्या कर लेनी है, ये देखिए इस तरह। तो हमें अगले वाले में आनी है, तीन डबल क्रोशिया बना लेनी है, एक दो तीन, फिर दो चैन, लूप को लंबा करना है, फिर पतली वाली क्रोशिया लेनी है, फिर इसे इस तरह पैक कर लेना है, फिर दो चैन, एक दो, फिर उसी स्पेस में तीन डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, एक दो तीन।
आप इस तरह भी इसे बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह भी आप बना सकते हैं, या तो आप मोती भी बिना मोती का भी आप इसे बना सकते हैं। फिर अगले स्पेस में जानी है हमें, यहाँ पर चेन्स नहीं बनानी है, एक भी चेन्स, दो तीन, फिर दो चैन, फिर लूप को लंबा करना है हमें, फिर पतली वाली हुक लेनी है, फिर मोती लेनी है, पैक कर लेना, फिर दो चैन, फिर उसी स्पेस में तीन डबल क्रोशे। इस तरह हमें ये लास्ट लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये थालपोस बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स बनने के बाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।